राम 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 भजन राम 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 होला हे राम 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 राम। आपने राम के भक्त तो कई देखे होंगे, लेकिन मैं आपको एक ऐसे अनोखे भक्त से आज रूबरू कराऊंगा जो शरीर में हर जगह राम का नाम लिखे हैं। आप शरीर को देखेंगे तो आपको सभी जगह में राम का नाम दिखाई देगा। इन्हीं से आज बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर शरीर में सभी जगह राम का नाम क्यों लिखते हैं और इसके पीछे की क्या कहानी है, ये सब समझेंगे। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी राम राम। राम राम जी। सर ये बताइएगा, आप रामनामी समाज आज बहुत प्रचलित है, ये राम नाम लिखना की लिखने की शुरुआत शरीर में कब से हुई है? ये करीब 200 साल पहले से हुआ है। हाँ जी। जब उस समय हमारा देश स्वतंत्र नहीं हुआ था, हाँ, उस समय वर्ण व्यवस्था ऊंच नीच जाति पाति का ज़्यादा बोलबाला था। हाँ। उस समय जो ब्रिटिश काल था, उस समय इन लोगों को जो मूल निवासी थे यहाँ के, जिसे वर्णों में शूद्र कहा जाता था, उन लोगों को मंदिर में प्रवेश और राम नाम जपने की मनाही थी। ऐसा जी। तब इन लोगों के ऊपर मुकदमा भी दायर किया गया था। हाँ। कि ये हमारे राम नाम को जप कर अपवित्र कर रहे हैं। ओके। तो मजिस्ट्रेट ने इन लोगों को बुलाया। हाँ। वो बोले, भाई आप इनके राम को आप क्यों जप रहे हो, इनके राम को आप क्यों अपवित्र कर रहे हो? तब इन लोगों को बुलाया गया तो ये लोग बोले कि भाई जो राम या जो भगवान किसी के जपने से अगर अपवित्र होता है, हम उस राम को नहीं जप रहे हैं। हम जो कण कण में बसा है, जो राम जो आप में बसा है, हम में बसा है, चींटी से लेकर हाथी तक सब में राम राम है। जहाँ तक हमारा नज़र जाता है वहाँ तक राम राम है। जब हम आँख बंद कर लेते हैं, जहाँ तक हमारी मन की गति जाती है वहाँ तक राम राम बसा हुआ है, कण कण में राम राम बसा है, उस राम राम का हम जाप कर रहे हैं। मजिस्ट्रेट के सामने इन्होंने बयान दिया। तब मजिस्ट्रेट ने इनके पक्ष में फैसला दिया कि भाई ये तुम्हारे राम जो पवित्र हो रहे हैं, इनको कहना था कि वो भगवान ही क्या जो किसी के जपने से अपवित्र हो जाए। तो हम जो ब्रह्म व्यापी जो निर्गुण राम राम जो सब में बसा है, जिसके चले जाने से यह शरीर मृत हो जाएगा, उस राम यहाँ पे बैठ जाता हूँ, बैठ के बात करता हूँ, लंबे समय तक बात होगी, उस राम राम को हम जपते हैं, उस राम राम का हम जाप करते हैं। तब से मजिस्ट्रेट ने इनके पक्ष में फैसला दे दिया कि भाई ये तुम्हारे राम को नहीं जप रहे हैं, ये सर्वव्यापी राम राम जो कण कण में बसा है उस राम राम को जाप करें। आखिर वही है, बात वही है, आखिर उस राम में भी वो राम राम बसा हुआ है। पूरे हमारे रामनामियों का मानना है, राम नाम के भीतर ब्रह्म जीव त्रैलो, जिमिछित बीज नक्षत्र नभ नगर माही ग्रहत हो। राम कहने से दो शब्द है, लेकिन इसमें पूरा सारा ब्रह्मांड समाया हुआ है। लोग किसी को छोटा, किसी को बड़ा, ये हमारा बड़ा है, ये छोटा है, ऐसा रामनामी लोग नहीं मानते। और रामनामी लोग कोई विशेष स्थान पर राम नाम को ढूंढने नहीं जाते, जैसे मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च। राम नाम तो सब जगह व्यापक है, कण कण में राम नाम बसा। इसलिए रामनामी लोग अपने वस्त्रों में, उसी दिन से जब इनको मंदिर प्रवेश नहीं दिया जाता था, जब इनको राम नाम जपने की मनाही, तो इन्होंने अपने तन को ही मंदिर बना लिया और सारे शरीर में राम नाम लिखा कर राम नाम का भजन करते करीब 200 साल से आ रहे हैं। इनसे कई फायदे हैं। एक तो राम नाम लिखाने से पहले कुछ नियम का पालन करना पड़ता है, जैसे शुद्ध शाकाहारी होना पड़ेगा, आपको किसी प्रकार का जितने भी मादक द्रव्य हैं उनका सेवन से परहेज करना होगा, जहाँ तक हो सके सदा सत्य बोलें, मन से, वचन से, कर्म से किसी को पीड़ा ना पहुँचाएं। इसके बाद आप राम राम नाम लिखाएंगे तो राम राम नाम लिखाने के बाद में जैसे आपको राम का नाम याद नहीं आ रहा, लेकिन हमें देखकर आपको राम का नाम याद आएगा। बिल्कुल बिल्कुल। मान लीजिए आप अन्य धर्मों से हैं,
जो राम नाम जपना नहीं चाहते, मान लीजिए उदाहरण है, लेकिन हमें देखकर आप पढ़े लिखे हैं तो आपके हृदय को राम का नाम जपना पड़ेगा, इससे आपकी भी मुक्ति होगी। धन्य धन्य वह जीव जो कलिजुग में राम राम नाम सुमिरय सुमिराव सुखद सकल कृतारद्धाम। स्वयं स्मरण कर रहे हैं, सामने वाले को स्मरण करा रहे हैं, लेकिन रामनामे का मुख्य उद्देश्य है कि पूरे विश्व में जीव हत्या बंद हो। हम शासन से प्रशासन से इतने अच्छे कार्य कर रहे हैं राम के प्रति, हम निवेदन करना चाहेंगे, हम एक संदेश देना चाहेंगे कि अपने राज्य में अपने देश में ये जीव हत्याएं जो हो रहे हैं ये बंद हो। कोई माँ अपने बच्चे की बलि नहीं लेता, जहाँ देखो तो बलि प्रथा, जहाँ देखो हत्याएं। तो हमारा कहने का मतलब ये है कि इससे पहले शाकाहार होना पड़ेगा आपको। मांसाहार के लिए किसी को सताना पड़ेगा, किसी को मारना पड़ेगा। अब जैसे कि हमने कहा कि मन से वचन से कर्म से अगर आप किसी को पीड़ा नहीं पहुंचाएंगे, शुद्ध सात्विकी रहेंगे, साकार भोजन लेंगे, तभी राम राम नाम की कृपा की प्राप्ति होगी। हमें भक्ति करनी है तो सारी चीज़ों को त्यागना पड़ेगा। जी जी, तपस्वी बनना पड़ेगा आपका सीधा कहा। जी नहीं, उदिम सहित राम गुण गाई ताकर राम अधिक सुध पाई, मतलब आप सबके काम कीजिए। जैसे हम गृहस्थी लोग हैं, इसमें ब्रह्मचारी भी हैं, त्यागी भी हैं, त्यागी हैं और खास करके गृहस्थी हैं। गृहस्थ आश्रम को सबसे बड़ा बताया गया क्योंकि इसी आश्रम से पूरा विश्व का भरण पोषण होता है, खेती किसानी है। सबके सहित आप राम गाइए, लेकिन जो हमने कहा कि आप मादक द्रव्य का सेवन बंद कीजिए। अभी नॉर्मली है, हम अगर किसी मादक द्रव्य का सेवन कर दे तो हमारा सब चीज़ बढ़ जाएगा, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, नाड़ी की धड़कन बढ़ जाएगा, फिर काम को लोभ मोह हिंसा अहंकार जिस लाइन में आप अपने मन की गति को ले जाओगे फिर बढ़ावा देगा। इसलिए नशा पान नहीं करनी चाहिए, और जीव हत्या करने के बाद ही मांसाहार मिलेगा, इसलिए मांसाहार बंद होनी चाहिए। और हम चाहते हैं कि पूरे विश्व में जीव हत्याएं बंद हो, ऐसी सरकार को कोई अमल करनी चाहिए। ये चेहरे के पीछे आपका जो मुस्कान है, इस ये राम नाम के कारण से ही है। अब देखिए तो राम राम ही जाने, देखिए राम राम कहना और करना, राम राम कहना और करना ये दो अलग अलग बातें हैं। जैसे हम सिर्फ राम राम कह रहे हैं, अगर हम अपने कर्मों को नहीं सुधार पा रहे हैं, एक दूसरे के प्रति हमको दया नहीं है, तो रामनामियों का मानना है कि फिर राम राम की कृपा जब मिल सकती है जब इन कर्मों को त्याग करके हम राम राम का भजन करें, सबके ऊपर दया की भाव रखें, जीव हत्या बंद करें, मादक द्रव्य का सेवन न करें, यही संदेश हम देना चाहते हैं। सर आप मुझे ये बताइए, राम नामी जो समाज है, आपकी जो वेशभूषा है, सभी में राम नाम लिखा हुआ है, राम 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 सभी जगहों में लिखा हुआ है, वेशभूषा क्या होती है आप लोगों की? अब ऐसा है, देखिए पूर्वज से चलते हुए आ रहा है, लेकिन मैंने आपको बताया कि इसके फायदे मैंने बता चुका हूँ कि इससे अनेक फायदे हैं। सामने वालों की स्मरण कराते हैं, स्वयं स्मरण करते हैं, फिर ये चीज़ वेशभूषा में हमें गलत कर्म करने से ये वेशभूषा रोकती है। ये हम मुकुट लगा रखे हैं, हमारी जो मन की जो विकार है, छठ विकार है, उनको जल्दी से किनारे आने नहीं देते जो मुकुट लगा रखे हैं, और राम राम का चादर ओढ़ रखे हैं, राम राम नाम सारे शरीर में लिखा रखे हैं, तो हमें ये चेतना मिलता है कि हम जो निषेध हैं, जो गलत कार्य हैं, उनको ना करें। मतलब जो चीज़ हमारे ऊपर लागू नहीं होता, जो हमें दुख होता है किसी के द्वारा कर्मों से, वो हम दूसरे के ऊपर लागू ना करें। गले में कुछ लटका हुआ है, ये क्या चीज़? ये घुंघरू है, घुंघरू है, इससे हम राम राम की भजन करते हैं। हम किसी प्रकार की वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं करते, इससे हम राम राम का भजन करते हैं। रामायण की दोहा चौपाइयाँ, कबीर की दोहा चौपाइयाँ, जितने भी कवि जो लिखे हैं, जो नीति के दोहे हैं, वो सब हम बीच में लाते हैं राम राम भजन में। जैसे कबीर के दोहे, रहीम के दोहे, सूरदास के, रविदास के, मीरा के, रामायण, सुख सागर, विश्राम सागर, इसकी दोहा चौपाइयाँ जो नीति के दोहे हैं, जो मनुष्य को जीने में सुगम बनाता है, उस दोहा चौपाई को भजन में लाकर अपना भजन करते हैं। तो ये घुंघरू में भी राम लिखा हुआ है? हाँ जी, इस घुंघरू में भी हमारा राम राम लिखा हुआ है। ऐसा जी, ये देखिए, ये देखिए, ये रा और ये म, यहाँ तक सब में राम, और ये पेंट का प्रयोग हम नहीं करते।
अपना हाथ से स्याही बनाते हैं, जो शरीर में लिखते हैं उसमें भी हाथ अपना स्याही है, मिट्टी तेल जला के उसका जो कालापन निकलता है उसको शुद्ध जल से उसको अच्छी तरह मिला करके शरीर में लिखते हैं, कपड़ों में लिखते हैं। उसमें एक बम्बूल का छाल होता है जिसमें कस्सा निकलता है, उसको उबाल करके एक लिमिट मात्रा में उसका समय आ जाता है, उसी स्याही में मिला करके ये कपड़ों में लिखते हैं, तो ये कई वर्षों तक नहीं निकलता। जैसे हम बताना चाहेंगे ये वस्त्र करीब 50-60 साल से लिखा हुआ है, ये स्याही निकलेगा नहीं, पेंट जो है 10-20 साल बाद उड़ जाता है। इसके नीचे कपड़ा का पर्दा दिया है और फिर भी इसका जतन करके रखते हैं, न इसको हम आग में जलाते हैं, न इसको हम जल में प्रवाह करते हैं, इसको केवल राम राम का नाम समझ करके इसको स्वीकार करते हैं। आप कबीर के दोहे बोलते हैं, जो आप लोग कबीर के दोहे करते हैं एक बार सभी एक साथ करके मतलब बोल के दिखाएंगे? जी बिल्कुल, हम चाहेंगे कि कबीर का दोहा जो आप बोलते हैं कैसे हो? हम भजन के साथ बोलते हैं, भजन के साथ। राम 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 भजन राम 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 होला हे राम 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 भजन राम 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 होला हे राम 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 कबीर गर्व ना कीजिए राम राम काल गए हैं के ना जाने कब मारी है क्या या घारा क्या क्या या पा देसा हो राम 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 भजन राम 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 ओ लागे हे राम 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 कबीर गिरे जल दाह में राम राम गिर तुन चारे राम राम नाम धाई के राम राम बचा लिए राम राम जाला के बेता बेता रागा श्यामा राम 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 भजन राम 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 हो लागे राम 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 नाम की लूट राम राम लूट सके सोल अंत समय पछताएगा प्राय न जावा जावा ये जावा छोटा हो राम 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 भजन राम राम हो लागे हो राम 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 राम। तो कहते हैं राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, तो ये रामनामी समाज है, हर जगह शरीर के राम नाम लिखाए हुए हैं, इनकी शुरुआत राम से होती है और अंत भी राम से ही होता है। तो मैं यही कहानी दिखाना चाह रहा था आपको कि रामनामी समाज क्या है और इसके पीछे की क्या कहानी है।